किछि दिन पूर्वरु जंगलरे खाद्यर बहुत अभाव थाए से जंगलर सब पक्षी माने चिंतारे पड़ी जाती हेले से जंगल गोटे चिल रो थाए तार गोटे आंब गछ थाए आउ से आंब गछरे बहुत आंब होइथाए हेले से दुष्ट चिल कहारी की भी गोटे आंब खाइबा को दिए ना आउ से जंगल मीनु चढ़े ता पसारे मन दुख कर बसी थाए जदि जंगल परिस्थिति हम ताहले मु खाद्य कोठु आनिबी एमिति रे मु कालीठु किछि भी खाइनी जदि मु न खाए ताहले त मु मरि जिबी आउ सेई समय रे से चिल्लाटी ता घरु को जाउ थाए हटा से चिल्लर चश्मा गोटिए चढ़ै बसा उपरे पड़ी जाए अरे ए कोन मु चश्माटा कोठु गळी पड़िला मु बिना चश्मा रे केमिति मु घर को जिबी मते त किछि देखा जिवनी जाउची धीरे धीरे उड़ी उड़ी मो घर पाख को चली जिबी किछि समय परे मीनू चढ़ी देखे ता बसारे गोटे चश्मा पड़ी अरे ए चश्माटा तो चिल्लो दीदी कर जाउची ए चश्माटा को चिल्लो दीदी की दे देबी एमिति रे चश्माटा तो मोर किछि काम रे आसीबनी हेले चिल्लो दीदी की बिना चश्मा रे चम्मा भी देखा जायनी ता परे मीनू चढ़ी से चश्मा टी को नै चिल्लो पाख को चली जाए के मो घर पाखरे मो आंबो चोरी करबा को केही आसी ना त नाही नाही चिल्लो दीदी तमो आंबो चोरी करबा को केही भी आसी ना हंदी मो मीनू चढ़ी तमो को तो मो चश्मा फेरै देबा पे आसी थिली चश्मा दे दे मीनू चढ़ी बिना चश्मा रे त मते किछि भी देखा जायनी एई निया दीदी तमो चश्मा तमो को बहुत बहुत धन्यवाद मीनू चढ़ी मो तो भाबु थिली मो चश्मा मिलिबनी बोली मागो तमे मते जहा भी मागो मु आज तमको सब किछि देबी काहे कि ना तमे मो चश्मा मते देइछ चिल्लो दीदी मो दुई दिन हला जम्मारो किछि खाइनी आउ जंगल रे बे खाद्यर बहुत अभाव अछि तमे जदि गोटे आंबो मते खाइबा को दियंत मु दुई चारि दिन से आंबो खाइ रहि जांती एई ने मिनु चढ़ै गोटे आंबो ए आंबोटा खाइ सरिला परे तू आउ आसी आंबो नै जिबु धन्यवाद चिल्लो दीदी मु एबे आसुछि तापरे मीनू चढ़े चिल्लठारु आंब ने खुशी खुशी रे ता बसा को चली जाए आउ ता बसा रे जाए से आंब को खाऊ थाए सेही समय रे काळू काऊ सेही रास्ता रे जाऊ थाए आउ से मीनू चढ़े को आंब खाइबर देखी दिए मीनू तू ए आंब कोठ पाइलु सारा जंगल रे तो चिल्लर गोटी आंब गछ अछि आउ से ता आंब गछरु गोटी आंब खाइबा को कहा को भी दउनी जाइलो काळू भई चिल्लो दीदी का चश्मा हजी जाइथिला आउ से चश्मा को मु नै तांका पाख को जाइथिली आउ से चश्मा देखि से खुशी होई गले आउ खुशी होई मते गोटे आंब खाइबा को देले आउ कहिले जेते बेले मो आंब सरी जिवो मु आउ जाई आंब आनी खाइ परिबी एक कथा सुणी काळू काउ जोरे लागी जाए जाइलो मिनु आमे सब भोकरे अछु तू एठी बसे आंब खाऊ था काळू काउ एमिति कहि सेठारु रागी चली जाए आउ घर को जाए ता स्त्री गोरी को सब कथा कहे जाइलो काळू आ माने से बूढ़ी चिल्लो को बिना चश्मा रे किछि भी देखा जाएनी काळू जदी आमे चिल्लर घर पाखे जाए लुचि बसिबा आउ से बूढ़ी चिल्लो जते बेले चश्मा को काढ़ी देबो सेतेले आमे जाए ता आंब गछरो आंब चोरी आनिबा आउ आमर खाद्य अभाव भी रहिबोनी मु जानिथिली मो स्त्री आमो दि जणकर खाइबा पई किछि ना किछि उपाय करिवो तापरे राती हे जाए हेले से राती रे काळू आउ गोरी काउ न सोई सेमिति चाहि रहंती केते बेले सकाळ हेले से माने चिल्लर आंब बगीचा रु जाई आंब चोरी करिवे सकाळ हेबा मात्रे काळू आउ गोरी काउ चिल्लर आंब गछ पाखरे लुचि बसंती बहुत दिन हेलाणी मो भौणी संगे रे मोर देखा हेइनी जदि मु ए आंब बगीचा को छाडी चले जेबी ताहेले सब पक्षी आसी मो गछरु आंब खाई जेबे ना मते मो भौणी को कहा हतरे खबर दे एठा को डकाइबा को पड़िबो आउ से आसीले मन भरी एठी आंब खाई जेबो एमिति कहि बूढ़ी चिल्लो त चश्मा को टिके तळे रखि दिए आउ सेतिकी बेले लुचि रहिथिबा काळू आउ गोरी काउ मध्यरु काळू काउ जाई बूढ़ी आंब गछरु दुईटी आंब नै चली आसे आउ से आंब को जाय निज बसार नै खाती जाइलु गोरी आमे बे सब दिन एया करिबा से बूढ़ी चिल्लो को तो किछि भी देखा जाउनी आउ आमे बिना परिश्रम रे मीठा मीठा आंब भी खाइबा
हाँ कालू तमे ठीक कही छो एबे हमको परिश्रम करबा किछि भी दरकार नै ता पर दिन सकाळ होई जाय आ मिन्नू चढ़ई कुहे चिल्लो दीदी कहितले आउ आंबो नबा पाई मु जाउची एबे त मो आंबो सरी गलाणी मु चिल्लो दीदी को पाखरो आउ गोटे आंबो नै आसीबी एमिति कही मिन्नू चढ़ई बूढ़ी चिल्लो पाखो को चली जाय चिल्लो दीदी बहु जोर भोक लगुला आ मु सेति पाई तुम पाखो को चली आसली चिल्लो दीदी मते गोटे आंबो दियो मिन्नू चढ़ई तमे आंबो नहीं जा हेले मोर गोटे काम अछि कोन तमे मो पे से काम करि देबो कोह चिल्लो दीदी तमरो कोन काम अछि मु करि देबी मिन्नू चढ़ई मो भौणी सहित देखा करबा को मोर भारी मन होउछि तू जदि टिके जाई मो भौणी के खबर दे दियंतु से काली आसी मते देखा करि जायंता आ मो गछरु आंबो भी खाइना हां चिल्लो दीदी तमे चम्मारो भी व्यस्त होनी मु एबे जाउछि तुम भौणी के खबर दे आसीबी ता परे मिन्नू चढ़ई बूढ़ी चिल्लो ठारु गोटे आंबो नै शीघ्र चली जाए आ बूढ़ी चिल्लोर भौणी घर रास्ता मिन्नू चढ़ई की पूरा जणा थाए मिन्नू चढ़ई शीघ्र जाई चिल्लोर भौणी घरे पहुंची जाए छोट चिल्लो दीदी तुमको बड़ा चिल्लो दीदी कही छंदी तुम्हें ताको देखा करबा पई खाली जीवो अरे चढ़ई मते बहुत खुशी लागिला मो भौणी तुमको मते डाकीबा को पठेई छी एमिते भी मो भौणी सो देखा करबा को मोर भारी इच्छा होतला हाउ ठीक अछि मो काली जाई मो भौणी पखरे पहुंची जीवी ता परे मिन्नू चढ़ई चिल्लोर भौणी पखरे खबर पहुंचे निज जंगल को फेरु थाए सेही समय रे काळु आ गोरिकाउ चिल्लोर आंबो गछरु आंबो नै जाउ थांती आ मिन्नू चढ़ई मध्य तांको पछे पछे काळु काउर घर पाखो को चली जाए काळु भाई मो देखि छी तमे दुई जण चिल्लो दिंगा आंबो बगीचार आंबो चोरी करि आसी छ सेइटु कोन हला तू जदी चिल्लो को कहितबु छोटा चढ़ई ताहल त जीवन रो मारि देबी नाही गोरी दीदी मोर कोन दरकार मु चिल्लो दीदी को कहिबी हेले चिल्लो दीदी कहुतिले जदी के तांगा आंबो गछुर आंबो चोरी करी खाए आउ से जानती ताहले से पक्षी को से मारि देबे जदी माड़ खाइबर अछि ताहले आमे खाइबू तू त व्यस्त होबा किछ दरकार नै तू त घर को जा तापर मिन्नू चढ़ई सेठारु अपमानित होई चली जाए आउ त बसारे जाई आंबो खाउ थाए सेही समय रे झुन्नू परा मिन्नू चढ़ई पाखु को चली आसे मिन्नू मते भी भूक लागुची कोन तू तो आंबो को मते टिके खाइबा को दबु हां हां झुन्नू दीदी एई निया तमे भी ए आंबो रो अल्प खाई दियो झुन्नू दीदी तमे जानी छ मु आज से काउ मानु को देखिले छे से माने चिल्लो दीदी को बगीचा रो आंबो चोरी करी छंदी जदी चिल्लो दीदी के एटा जणा पड़िवो ताहाले चिल्लो दीदी से दुई जण को बहुत मारिबे एईटा को नुवा कथा की से काळु आ गोरी काउ तो बहुत तर बहुत पखी गडा रो माड़ खाउ छंदी तांकर प्रकृति तो चोरी करिबा सी बदली बे कोठु आरी भीतर राती होई जाए आ राती पई गोटे सुंदर सकाळ होए सकाळु सकाळु बूढ़ी चिल्लो ता बसारे बसी थाए आ सेही समय रे बूढ़ी चिल्लोर भौणी चली आसे काळु ए अल्प अल्प आंबो केते चोरी केणु थिबा मु भाबुतली आमे आज बहुत आंबो चोरी करिबा आ मु बापा घर जंगल को चली जाई सेठारे आमे बसी खाइबा कोन कहउछ तमे काळु हां गोरी मु भी सही कथा भाबुतली केते अल्प अल्प आंबो चोरी करिबा छोटी मो मन बहुत दुख थिला आ सेति पई मो मिन्नू चढ़ई हतरे तते डकाई पठेली हां दीदी मते भी तो कथा भारी मन पडुथिला आ आंबो खाइबा को तमर भारी इच्छा थिला छोटी तू टिके बसारे बसी था मो टिके नदी रो पानी पी दे आसुची तापर आमे मिसे के आंबो खाइबा तापर बूढ़ी चिल्लो नदी को पानी पीबा को चली जाए आ छोटो चिल्लो बूढ़ी चिल्लोर बसारे बसी थाए हेटि काळु बूढ़ी चिल्लो एबे चश्मा को गाड़ी रखी छी चालो आमे एबे जल्दी जिबा आ आज मु भी तमो संगरे जिबी आ आमे सब तक आंबो एका संगरे तोळी आनीबा तापोरे काळु आ गोरिकाउ जते बेले आंबो खाइबा को जांती सेत्ति की बेले छोटो चिल्लो से दुई जण को निजे पंजारे झांपी पकाए आ सेही समय रे बूढ़ी चिल्लो मध्य आसी जाए अरे छोटी कथा कोन तू ए दुई जण को कोन पे धरिजु जाइलो दीदी तू गल्ला परे ए दुई जण आंबो चोरी करबा को आसीथिले आ मु तांको धरि छी कोन ए दुई जण कर एते सास मो आंबो गछर पुनी चोरी
ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ଛୋଟ ଚିଲ ଓ ବଡ଼ ଚିଲ ଦୁହେଁ ମିଶି କାଳୁ ଆଉ ଗୋରିକାଉକୁ ବହେ ଛେଚିଲେ। ଛୋଟି, ସେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ନେଇ ଚାଲ, ତାଙ୍କୁ ଏ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଭଲ କି ବାଡ଼େଇବା। ତାପରେ ଛୋଟ ଚିଲ ଆଉ ବଡ଼ ଚିଲ ଦୁହେଁ ମିଶି କାଳୁ ଆଉ ଗୋରିକାଉକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଚିଲ ଦିଦି, ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଚୋରକୁ ଘୃଣା କରେ ଆଉ ଚୋରକୁ ବି ମାରିଦିଏ। ଚିଲ ଦିଦି, ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ବି ଚୋରି କରିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କହୁଛୁ ବୋଲି ଏ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ହେଲେ ଯଦି ଏମାନେ ଆଉ କେବେ ବି ଆସି ମୋ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ତାପରେ ଛୋଟ ଚିଲ ଓ ବଡ଼ ଚିଲ କାଳୁ ଆଉ ଗୋରିକାଉକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କାଳୁ ଆଉ ଗୋରିକାଉ ଶପଥ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ଚୋରି କରନ୍ତିନି। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ଚୋର କେବେ ନା କେବେ ଧରା ପଡ଼ିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନିକି କାର୍ଟୁନ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମିଳିମିଶି ରହୁଥାନ୍ତି। ଜାଣିଛ ଝୁନୁ ଦିଦି, ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଖବର ଆସିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଆସି ମୋତେ ଖବରଟି ଦେଇଯାଇଛି। ଆରେ ମିନୁ, କୋଉ ଖବର ତତେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଦେଇଯାଇଛି? ଆଚ୍ଛା, ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ତୋର କିଏ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଝୁନୁ ଦିଦି, ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ତା ନାଁ ଚିକି। ସେ ସବୁ ମାସରେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରେ, ଆଉ ଆଖପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଥାଆନ୍ତି ସେ ଖାଇବା ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଯା ହଉ, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ଅନେକ ଦିନ ପରେ ପାଟିରେ ଟିକେ ସୁଆଦିଆ ଖାଇବା ବାଜିବ। ଆଚ୍ଛା ମିନୁ, ତୋ ସାଙ୍ଗ ଚିକି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବନେଇଛି? ଜାଣିଲ କି ଝୁନୁ ଦିଦି, ଆଜି ସକାଳେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ମୋତେ ଖବର ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ କହୁଥିଲା ଚିକି କୁଆଡ଼େ ଗାଜର ହାଲୁଆ ତିଆରି କରିଛି। ଗାଜର ହାଲୁଆ ତ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। କ'ଣ କହିଲୁ ମିନୁ, ଗାଜର ହାଲୁଆ? ଗାଜର ହାଲୁଆ ତ ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ, ଗାଜର ହାଲୁଆ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ମିନୁ, ତୁ ଏ ଖବର ସବୁ ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁଣି କି ନାହିଁ? ନାଇଁ ମୋ ଝୁନୁ ଦିଦି, ମୁଁ ଆଉ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଖବର ଦେଲି, ସେ ଘର କାମ ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲା ତ ତାକୁ ସାରୁ ସାରୁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ହଉ ଝୁନୁ ଦିଦି, ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଯିବା, ମୁଁ ପୁଣି ଗଲେ କାଳୁ ଆଉ ଗୋରିକାଉକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଖବରଟି ଦେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଓ ଝୁନୁ ପାରା ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଲୋ ମିନୁ, ତୋ ସାଙ୍ଗ ଚିକି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି? ଜାଣିଲ କି ଗୋରି ଦିଦି, ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠା ଆମ୍ବ ରସ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଗାଜର ହାଲୁଆ ତିଆରି କରିଛି। ୱାଓ, ଗାଜର ହାଲୁଆ! ଜାଣିଛୁ ମିନୁ, ଗାଜର ହାଲୁଆ ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖୁନୁ, ଗାଜର ହାଲୁଆ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଥଣ୍ଟରୁ କେମିତି ପାଣି ଆସିଲାଣି। କାଳୁ ଭାଇ, ଗୋରି ଦିଦି, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଯିବା, ଏମିତିରେ ବି ଆମର ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଖାଇସାରି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବା, ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବ। ସେପଟେ ଝୁନୁ ଦିଦି ବି ଆସୁଥିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଚିକି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଚିକି ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ହେରା ସାଙ୍ଗମାନେ, ତମେ ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ, ହେରା ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ ତ? ନାଇଁ ମୋ ଚିକି ଦିଦି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହବ, ଆମେ ଟିକେ ବହୁତ ଦୂର ଉଡ଼ି ଆସିଲେ ତ ଆମକୁ ଭାରି ଜୋର ଥକା ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ମୋତେ ତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୋ ପେଟରେ ତ ମୂଷାମାନେ ଖାଲି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେଣି। ଜାଣିଲ କି ଚିକି ଦିଦି, ଏ କାଳୁ ଆଉ ଗୋରିକାଉ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଚିକି, ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଉଡ଼ିକି ଆସିଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଥକା ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଚଳିବ। ଚିକି, ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ। ହେରା ମିନୁ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୋତେ ଏକା ଏକା ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗେନି, ହେରା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଡାକିନିଏ। ତାପରେ ଚିକି ନିଜେ ବନେଇଥିବା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଗାଜର ହାଲୁଆକୁ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ। ଓ କି ଟେଷ୍ଟି! ଜାଣିଲ କି ଚିକି ଦିଦି, ଏ ଗାଜର ହାଲୁଆ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆଗରୁ ଏମିତି ଗାଜର ହାଲୁଆ ମୁଁ କେବେ ବି ଖାଇନଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ତ ଆମେ ଗାଜର ହାଲୁଆ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଯିବା, ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରିବାନି। ଆଚ୍ଛା ଚିକି ଦିଦି, ଏ ଗାଜର ହାଲୁଆରେ
जहाँ सब फल दरकार हो तुम जंगल मिली जाऊ हेरा हो कालू भाई ए सब जिनिस आम जंगल रे मिल जाए आउ आम जंगल रे पानी पाग पूरा ठीक रहे हौ हौ संग माने सेती की कथा हो चलो जल्दी जीबा नहले तेडे संध्या होई जीव तम्मे दुई जण पळाओ आमे ठरु आउ जीवुनी आमे बे एई जंगल रे सब दिन पै रहिबु आउ एई जंगल रे जो सब मीठा मीठा फल मिलुछि ताकू खाई रहिबु गोरी दीदी तमे कण ई फल खाइबा लोभरे तुम जंगल ओ सांगसाथी मानक छाडी दबो जाइलु कि मिनु ए जंगल रे भी हमकु सांग मिलि जिबे आ एई जंगल रे आमे घर करी रहिबु तमे तमरो जाओ आमे एठरो जिबुनी हेरा गोरी दीदी ए तो जमर भलो कथा नोई हेरा तुमे जेमिति तुम सांग मानक सहित हसी हसी आसीतिलो सेमिति हसी हसी जाओ चिक्की दीदी तमे डरुच कि आमे तुम घर रही जबु बोली तमे जमार डरनी एई पाखरे मो सांगर घर अछि आमे सेइठी जाई के रही जबु हेरा ठीक अछि जे तुम अच्छा हेले दिन आसीबो तमे दुहे निश्चय पस्तैबो जे तापरे मीनू चढ़ई ओ छुनु पारा निज जंगल को चली जायंती आउ कालू आउ गोरी काउ निज सांग चंपा काउ घर को चली जायंती हेरा सांग बहुत दिन परे तम दुईं सहित देखा।